हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक एजुटेक लर्निंग में। आज हम एक और नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि जो ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जो 7 फेब को हुआ था, उसका जो आज आंसर की निकली है उसके बारे में। अभी तक जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक वेबसाइट है जो ASISSE की, यानी ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, अभी तक वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आया था, पर लेटेस्ट अभी एक अपडेट आया है जिसमें हम बच्चे की आंसर की चेक कर सकते हैं, और अगर कोई क्लेम है किसी बच्चे को किसी आंसर पे तो वो क्लेम कर सकता है। चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके आंसर की, और उसकी OMR शीट भी कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं, हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है TPS/AISSEE NTA, यानी कि ऑल इंडियन सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी .in। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का एक वेबसाइट आ जाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लिखा होगा, आपने उसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे आपके पास एक मैम जो इसकी टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट खुल जाएगी। आपके स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको अभी तक जैसे एक लिंक दिया गया है अभी भी, डाउनलोड एडमिट कार्ड AISSEE 2021, उसके नीचे ही देखिए एक लिखा गया है डिस्प्ले OMR शीट चैलेंज रिपोर्ट रिकॉर्डेड रिपोर्ट्स रिस्पांस एंड द आंसर की। चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021। नेक्स्ट करने पर आपको ये लॉगिन ऑप्शन कहा गया, लॉगिन ऑप्शन जहाँ आप लॉगिन कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के, या तो थ्रू एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। चलिए हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से किसी बच्चे की लॉगिन करते हैं। आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, वहाँ लिखा जाएगा कि एप्लीकेशन नंबर, तो इसका हम एप्लीकेशन नंबर डाल लेते हैं। चलो हम बच्चे की एप्लीकेशन नंबर डालते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक बच्चे का मैंने एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, और उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में आएगी आपके पास, पहले सबसे पहले डेट, फिर उसका मंथ, फिर उसका ईयर आप उसका, और इसके बाद आपके पास एक इस तरह का एक ऑप्शन होगा, आपको वो डालना पड़ेगा। ये कैपिटल लेटर में है 10, आपने ये डाल देना है। डालने पर आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ओके का बटन दबा देना। जैसे ओके करेंगे आपको बच्चे की पूरी डिटेल दिखाई देगी, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कम्प्लीटेड था, एप्लीकेशन फॉर्म है, इमेज अपलोड और एप्लीकेशन फ़ी जब आपने ये फॉर्म सबमिट करवाया था उस समय का। नेक्स्ट आपके पास डाउनलोड्स कन्फर्मेशन पेज, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आपने OMR शीट पर, और आपके पास चैलेंज आंसर की, चलिए हम आंसर की तरफ चलते हैं। ये है उस बच्चे का आंसर की, कुछ इस तरह का एक नाम लिखा जाएगा, नीचे आपके पास जो क्लेम्ड आंसर की है वो दी जाएगी। जैसे कि इस बच्चे का जो सब्जेक्ट है, पहले मैथ लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर जो है आंसर जो है वो 3 है, और अगर ऑप्शन जो अगर कोई क्लेम्ड करता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कुछ आंसर गलत है तो आप क्लेम कर सकते हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या नन ऑफ दीज, इन सारों में से आप कोई क्लेम कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम है आपके नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चंस का इसी तरह से निकाला गया है, सभी के इसी के आंसर भी इसके साथ ही हैं। आप देख सकते हैं आराम आराम से देख सकते हैं आप इसको, ये मैं स्क्रोल डाउन कर रहा हूँ नीचे, ये सभी के आंसर जितने भी इसके क्वेश्चंस थे उस सभी के आंसर आपको यहाँ सामने दिखाई दिए, जैसे 55 का 1, 56 का 3। तो आप देख सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है या कोई गलत है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। आपको ये टाइम दिया गया है, ये आपके पास थी आंसर की। तो नेक्स्ट हम चलते हैं
ये सभी के सभी 125 जो क्वेश्चंस थे उनके भी दिखा और अपने क्लेम को कैसे पूरा कर सकें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इनकी वेबसाइट पे हम देख सकते हैं ऑल इंडियन साइंस स्कूल रिजल्ट जो है वो, उसमें जब भी रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं अपने चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी नई जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक।